आजाद होना नहीं चाहते। हर मौके पे आप अपनी पत्नियों से राय मशवरा लिया करते थे, सम्मान देते थे, उनको किसी की मशवरे की आवश्यकता नहीं थी, ईश्वर निर्देशित कर रहा था उनको। जाहिर सी बात, हर मौके पे आपको निर्देशन मिल रहा था ईश्वर से, क्या जरूरत थी अपने पत्नी से मशवरा लेने की? क्योंकि ये जो मिद्दा सकल अब अवगुण खानी, सब पूरे गुण से अवगुण से की खान है, ये इसको तोड़ना था, व्यवहारिक उपदेश देना था। आप मशवरा लेते थे हर मामले में, एक एक मामले पे मशवरा ले, देखिए कैसे व्यवहारिक उपदेश है ये। अपने हुदैबिया के समझौते को याद करिए आप, जब वो समझौता हुआ था, पैगंबर ने हज करने से मना किया, कहा हज मत करने जाइए, अपने जानवर को कुर्बान कर दीजिए और अहराम खोल लीजिए, लेकिन वो जज्बाती मुसलमान आपकी तरह मानने को तैयार नहीं थे, चाहते थे कि हम जाएं और हज करें, नहीं माने। आपने पुनः कहा, दोबारा कहा, नहीं माने। अब चिंतित हो गए कि अब क्या करें, अपने टेंट में चले गए। उस वक्त एक पत्नी आपकी आपके साथ थी, आपने उनसे मशवरा लिया कि हम क्या करें अब, तो आपने कहा कि अब दोबारा अपने आदेश को, उपदेश को मत दोहराइए, नहीं तो वो इनकार कर देंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि वो इनकार कर दें और बहुत बड़े आपदा में आ पड़े, इसलिए आप खुद जाके कुर्बानी कर दीजिए और अपना एहराम खोल दीजिए, और आपका देख के वो अनुसरण करेंगे, वो आपको देख के अनुसरण करेंगे। इस तरह से ये भी साबित हो जाएगा कि आपका आदेश और उपदेश एकदम पक्का और अंतिम था, बदलने वाला नहीं था, आपने ऐसा ही किया, फिर सभी उसका अनुसरण करने लगे। ये व्यवहारिक उपदेश था। आश्रम और खानकाह में बैठ के वाक पटुता भरा उपदेश में व्यवहारिक उपदेश था। ये सम्मान था औरतों को, स्त्रियों को, अपनी पत्नी को ये सम्मान दिया। जो ये कहा गया कि अवगुण की खान है उसको तोड़ दिया आपने, अवगुण की खान नहीं है, गुण है उनके अंदर भी, सम्मान दिया, मशवरा लिया, अच्छा मशवरा दिया, और मशवरे पे आपने व्यवहार किया और कामयाबी मिली। समाज में रहते थे वो, समाज में बहुत सी परेशानियां आती हैं, वादा करते थे, वादा निभाते थे, वादा करने का उपदेश देते थे, वादा करो तो वादे को निभाओ। आपने ईश्वर का आदेश सुनाया। ईमान लाने वालों में बहादुर लोग भी हैं जिन्होंने अपने उस वादे को निभाया जिसे उन लोगों ने अल्लाह से किया था। उनमें से कुछ लोगों ने उस वादे को इस सीमा तक निभाया कि अपनी जान की कुर्बानी तक दे दी, और दूसरे लोग उस शहादत के इंतजार में हैं। उन लोगों ने कभी अपने किए वादे से पीछे हटने के बारे में नहीं सोचा। कुरान का अध्याय 33 श्लोक नंबर 23। ये आपने ईश्वर का आदेश दिया वादे के संबंध। हम और आप बहुत वादे करते हैं और झांक लें अपने अपने अंदर कि फिर हम लोग उस पर व्यवहार क्या करते हैं, आपका रसूल आपको क्या व्यवहार करने को कहता है। कहता हमसे 6 चीजों का वादा करो, अच्छा आचार विचार, जब वादा करो तो उसको पूरा करो, स्वच्छ जीवन गुजारो, किसी भी गैर कानूनी चीज पर नजर न उठा के देखो, और मैं तुम्हें जन्नत का वादा करता हूं। दिए आपने 6 चीजें मांगा था आपने, आप लोगों से, अपने अनुसरण करने वाले लोगों से, अपने समर्थकों से। वादा करो तो निभाओ, स्पष्ट उन्होंने कहा कि वादा करो तो निभाओ। हम और आप वादा करके तोड़ देते हैं, और मजाक करते हैं कि वादा किया ही जाता है तोड़ने के लिए, मजा लेते हैं, विनाश तो होना ही है। जब हम व्यवहारिक उपदेशकर्ता के उपदेश को नहीं मानेंगे तो विनाश हमारा और आपका तय है। याद करिए वो घटना, मालूम है आप सबको कितना सदाचार था आपके रसूल में। जब आपका एक साथी एक समय पे किसी स्थान पे मिलने का वादा करता और भूल जाता है, भूल गया, 2-3 दिन बाद ही आया, याद आया, भाग गया, देखता क्या है कि ये रसूल यहीं खड़ा है,
और ये गुस्साएंगे डांटेंगे, न गुस्सा हुए न डांटे, कुछ नहीं कहे, बहुत ही प्रेम से विनम्र भाव से कहे, ए इंसान तुमने मुझे थोड़ी तकलीफ पहुंचाई, तुम मुझसे मिलने का वादा किए थे और नहीं आए, यहाँ 3 दिन से खड़ा हुआ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ऐसा चरित्र था आपके रसूल का, व्यवहारिक चरित्र, वादा किए थे तो खड़े रहे वहीं पे 3 दिन तक, ये व्यवहार करके दिखाया। सिर्फ वाक पोटता भरा उपदेश नहीं दिया कि वादे को निभाना चाहिए, बस खत्म, उस पे व्यवहार कैसे किया जाता ये देखो मैं करके दिखाता हूं, आपने करके दिखाया व्यवहार, इस तरह से वादा निभाया जाता है। समाज में रहते थे ये, बहुत सी परेशानियां आती थी, विषम परिस्थितियों में समझौता कर सकते थे लेकिन समझौता नहीं किया, कभी भी नहीं समझौता किया, उपदेश दिया। जब ऐसा मामला है, ऐसे मौके आए, विषम परिस्थिति आए, कठिनाई की परिस्थिति आए, संघर्ष करना पड़े, सब्र करो, थोड़ा सा सब्र करो, इंतजार करो, सब्र से काम लो। दुनिया के हर वर्ग आज अर्थ के पीछे भाग रहा है, पागल है, हमको अर्थ चाहिए, किसी भी तरीके से अर्थ चाहिए, कोई भी तरीका अडॉप्ट करके हम कमाएं, ज्यादा से ज्यादा कमाएं। कमाने से मना नहीं किया गया, तरीका बताएं कैसे कमाएं। ऐसी स्थिति में भी आपने सब्र करने के लिए कहा, उनके जीवन से संबंधित बहुत सी घटनाएं आपको मालूम है लेकिन भूल जाते हैं। आपका साथी एक बार जब आपके घर में आया तो देखा कि आप बैठ के नमाज पढ़ रहे थे, इस उपासना बैठ के कर रहे थे और कराहने की आवाज आ रही थी, आपने पूछ लिया क्या आपकी तबीयत खराब है क्या, कहा नहीं हमारी तबीयत खराब नहीं है, मैं 3 दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है, मैं भूख से बेहाल हूँ। आप रोने लगे, का साथी रोने लगा, कहा रोइए मत, जो आज यहाँ दुख और तकलीफ से सब्र करता है और बर्दाश्त करता है उसे कयामत के दिन ईश्वर वहाँ के अजाब से महफूज रखे। ये आपने उत्तर दिया, भूख प्यास लगी थी, सब्र का सिर्फ उपदेश ही नहीं दिया व्यवहार भी किया, समझौता कर सकते थे, विषम परिस्थिति थी, भूख से बेहाल थे, बीवी बच्चों को खाना नहीं मिल रहा था, नहीं किया, उपदेश देना था ना आपको, व्यवहारिक उपदेश। और जब उपदेश करता ही व्यवहार नहीं करेगा समर्थक कैसे करें, नहीं करें, मनोविज्ञान है मनुष्यों का कि जब भी उसके सामने कोई भी काल्पनिक घटना और कहानी बताई जाती है मनगढ़ंत, बहुत कम समय तक वो अपना प्रभाव छोड़ता है, लेकिन सच्ची और ऐतिहासिक घटना जब उसको बताई जाती है, जब वो जानता है तो दीर्घ काल तक, लंबे समय तक, हम यूं कहें कि प्रलय तक उसके दिलो दिमाग पे वो अपना असर रखता है। ऐसे पैगंबर थे आपके, ऐसे रसूल थे जो व्यवहार करते थे, उपदेश दे के उस पर व्यवहार करके बताते थे, ताकि हम और आप ये न कहने पाए कि अरे उपदेश देना अलग चीज होता है, व्यवहार करना अलग चीज, दोनों एक ही चीज है, उपदेश दिए तो व्यवहार भी करें। एक एक चीज पे आप, छोटी छोटी चीज पे व्यवहार करके बताया है, अर्थ के पीछे पागल रहते हैं हम और आप, लोभी हो गए हैं, नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं, यहां तक कि इंसान की भी खरीद फरोख्त करते हैं, इंसान करते थे वहां पे, गुलामों को बेचा जाता था, खरीदा जाता था, उनको इंसान नहीं समझा जाता था। हमारे भारतवर्ष में भी ऐसा ही था, दलितों की स्थिति क्या है आप देख लीजिए, किस तरह से उनको इंसान नहीं समझा जाता। संविधान से हमें समानता का अधिकार प्राप्त है, व्यवहार में नहीं है, जिसको देख के 2001 में तत्कालीन राष्ट्रपति आर के नारायणन ने बहुत ही पीड़ा के साथ कहा था कि संविधान द्वारा तो हमको समानता मिल गया है लेकिन व्यवहारता
ये कीड़ा आज भी समाज में मौजूद है। आर के नारायणन ने कहा, याद करिए 2002 के वो झज्जर, हरियाणा का झज्जर, जहाँ इन्हीं दलितों को अपना जीविकोपार्जन के लिए एक मुर्दा गाय का जब चमड़ा उतार रहे थे तो उनको थाने में पीटा गया ले जाके, और एक नेता जी का ये स्टेटमेंट आया कि इनकी जान की कीमत कुछ भी नहीं है बनस्पत उस गाय की, ये मनुष्य है ही नहीं, ये तो दास हैं। अभी आपके बगल में दंगा हुआ त्रिलोकपुरी दिल्ली में, जहाँ दंगा हुआ वो वाल्मीकि समाज के लोग वहाँ पे रहते हैं, और तहलका के एक बहुत बड़े पत्रकार आशीष खेतान ने कहा, स्टेटमेंट दिया कि वहाँ वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं, मुसलमानों से कुछ झगड़ा हुआ, किसने इसको दंगा में परिवर्तित कर दिया, और फिर ये प्रचारित किया गया कि पूरे हिंदू समाज पे हमला हुआ है, उनको तो ये हिंदू मानते ही नहीं है आप, वो हिंदू है ही नहीं, कैसे आप प्रचार करते हैं कि हिंदू समाज पे हमला हुआ, ऐसा क्यों है? कब तक इन दलितों को और वाल्मीकियों को अपने राजनीतिक एजेंडा के लिए इस्तेमाल किया जाता रहेगा? इसका जवाब है किसी के पास? इसका जवाब है, सापत ताड़त पुरुष कहंता, विप्र पूज्य सगा वहीं संता, पूज्य विप्र सकल गुण हीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। श्राप देते मारते हुए भी ब्राह्मण पूजनीय है, शूद्र नहीं, कितना भी गुणों से परिपूर्ण हो वो पूजनीय नहीं है, ब्राह्मण पूजनीय है। अगर गुण नहीं है उसके अंदर, सकल गुण हीना, तब भी वो पूजनीय है, शूद्र गुणों से परिपूर्ण है, भरा है, तब भी पूजनीय नहीं है, ये व्यवस्था दिया। मनुस्मृति ने अलग व्यवस्था दिया, खरीदे गए या बेचे गए दास से कर्म करवाइए, क्योंकि इनकी उत्पत्ति ही ब्राह्मण का दास करने के लिए हुआ है, ये व्यवस्था दिया। क्यों ना राजनीतिक एजेंडा के लिए इनका प्रयोग होता, ऐसा ही गुलामी की व्यवस्था थी वहां पे। पैगंबर ने भी आपको दिया एक उपदेश, वहां पर भी दलित थे, पूर्ण रूप से दलितों को मिटा देना चाहते थे वो, उनके दास प्रथा को चाहते थे ये खत्म हो जाए। मैं पूरी घटना नहीं गिना पा रहा हूं क्या क्या हमारे हिंदुस्तान में होता है और पूरे विश्व में कैसे कैसे होता है, एक ऐतिहासिक घटना मैं बताता हूं आपको किस तरह से ये जहर हमारे हमारे समाज में है। जब हमारा देश गुलाम था, आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनका नाम था तिलक जी, आप सब लोग जानते हैं, बाल गंगाधर तिलक, वो लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, शक्ति अपनी बढ़ा रहे थे कि इनसे लड़ा जाए, इनको भगाया जाए, इसके लिए हिंदू के पास भी जाते थे, मुस्लिम के पास भी जाते थे, ईसाई के पास भी जाते थे, दलित के पास भी जाते थे, और जब गए तो लेले शास्त्री जैसे एक ब्राह्मण जी थे, उनको ये बुरी लगी, उन्होंने इनका जात बहिष्कार कर दिया, कहा कि आप ईसाई और मुसलमानों के यहाँ जाके चाय पीते हैं, जैसे बहिष्कृत हो गए, अब आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। कहा ठीक है मैं करूँगा, मेरा उद्देश्य इस वक्त समाज सुधारना नहीं है, भारत को आज़ाद कराना है। बोलिए क्या है? कहा पंचगव्य का आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। क्या? कहा गोबर पीना पड़ेगा। कहा हम पिएंगे। गोबर ले आए, पिलाया गया और गोबर पिए। उनका एक उद्देश्य था क्या? भारत को आज़ाद कराना। गोबर पी लिए वो। ये कीड़ा समाज में व्याप्त है, ऐतिहासिक घटना बता रहा हूँ आपको। ऐसा ही कीड़ा वहाँ पर भी था, रसूल के समय में भी था। इंसान नहीं समझा जाता था दास को, दलित को। आप चाहते थे इसको मिटा देना। सोचिए किस भारत में जी रहे हैं आप। ऐसा है आपका भारत, और आपकी जिम्मेवारी कितनी है, कितना काम करना है आपको। उस रसूल के मानने वाले हैं जो व्यवहारिक उपदेश दिया है। उच्च कुल में पैदा हुए रसूल, उच्च कुल में पैदा हुए थे। इनका कुल जात बहुत उच्च थी। आपने उपदेश दिया किसी अरबी को गैर अरबी पर तथा किसी गोरे को काले पर कोई भी बड़ाई नहीं है सिवाय इस भक्ति के।